अर्थ प्रकाश टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर ताजा न्यूज से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाइए। लाला लाजपत राय की जयंती के उपलक्ष्य में स्थानीय अग्रवाल धर्मशाला में किया गया सम्मेलन। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विकास कंसल ने अपने संबोधन में कहा कि लाला लाजपत राय की जयंती के उपलक्ष्य में अग्रवाल धर्मशाला में अग्रवाल शिक्षित समाज के द्वारा सम्मेलन किया गया। यहाँ पर अग्रवाल समाज के सभी विशेष पदाधिकारी मौजूद थे। यहाँ पर कोषाध्यक्ष शिवचरण जी और भी अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। लाला लाजपत राय जी एक क्रांतिकारी नेता के रूप में जाने गए, जिन्होंने देश में आगे बढ़कर देश के और समाज की अग्रिम पंक्ति में रहकर आगे बढ़ाने का काम किया। लाला लाजपत राय जी जिनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, लाला लाजपत राय जो कि जिनका जन्म पंजाब में हुआ था और जो पंजाब केसरी जो पंजाब अपने नेशनल बैंक जिनकी स्थापना की गई लाला लाजपत राय के द्वारा उनके द्वारा ही और जो डीएवी संस्थाएं चली हुई हैं उनके उनको उनकी स्थापना में उनका विशेष योगदान रहा। लाला लाजपत राय जी ने अग्रवाल समाज वैश्य समाज और सभी समाजों के उत्थान के लिए जो काम किया वो आज भी कारगर सिद्ध हो रहा है। लाला लाजपत राय 28 जनवरी को उनका जन्म हुआ 1865 के दौरान और 30 अक्टूबर जो साइमन कमीशन आया था उसके विरोध में पहले क्रांतिकारी ऐसे नेता थे जिन्होंने उसका विरोध किया और अपने सीने पर लाठियां खाई। उनके आखिरी शब्द थे भी मेरे सीने पर लगी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबतों में एक एक कील का काम करेगी। उनके इस कथन के 20 वर्षों के बाद ही ब्रिटिश सरकार का भारत देश से अंत। इस अवसर पर सफीदो अग्रवाल वैश्य समाज के अध्यक्ष प्रवीण मित्तल, शिवचरण गर्ग, महावीर मित्तल, सतीश मंगला, रोहित मित्तल, विनोद सिंगला, आनंद मित्तल, अमन जैन, अभिषेक दीवान विशेष रूप में मौजूद रहे। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए सफीदो से अभिषेक दीवान की रिपोर्ट। अर्थ प्रकाश वेब टीवी।